नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, मैं राहुल चौधरी श्री वशिष्ठ विद्यालय में गुजराती माध्यम में हिंदी भाषा पढ़ाता हूँ। तो आज कक्षा 8 चैप्टर नंबर 3 मत बांटो इंसान को काव्य का भावार्थ समझेंगे। तो यहाँ पर काव्य में आने वाले कठिन शब्दों को पहले समझ लें तो राह मतलब रास्ता, मार्ग उजियाला रोशनी या तो प्रकाश, बंदी कैदी गुलाम, विता मतलब विस्तार या तो फिर अवकाश, चट्टान मतलब शिला या तो बड़ा सा पत्थर, पहरा सुरक्षा या तो रखवाले, रौंदना मतलब कुचलना, मंजिल तो लक्ष्य, मजबूर मतलब विवश असहाय, रेगिस्तान तो मरुस्थल और घाटी दो पहाड़ों के बीच की जगह। तो यहाँ पर जो यह कठिन शब्द है तो काव्य का जो भावार्थ है उसके बारे में हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं, काव्य है कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटे सागर बांटा, मत बांटो इंसान। तो कवि इस काव्य के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने भगवान तो एक ही है, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अलग अलग पूजा घर बनाकर हमने भगवान का बंटवारा कर लिया है। उसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती को भी बांट लिया है, सागर को भी अलग अलग तरह से हम लोगों ने बांट लिया है। कम से कम इंसान का बंटवारा मत करो। तो इंसान का बंटवारा मत करना मतलब क्या? तो उसको अलग अलग दृष्टि से देखना, जैसे कि ऊंच नीच का भेदभाव हो, अमीरी गरीबी का भेदभाव हो, जाति धर्म का भेदभाव हो, तो कई तरह से मनुष्यों को अलग अलग दृष्टि से देखना। तो कवि कहते हैं कि कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। आगे कवि कहते हैं, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो कवि कहना चाहते हैं, अभी तो दुनिया में समानता की भावना फैलने की शुरुआत हुई, अभी समानता का भाव सभी जगह पहुंचाने में बहुत देर लगेगी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, उसका अर्थ क्या? तो अभी तो जो बिजली की जो रोशनी है केवल धनी लोगों के घर में है, मतलब अमीरों के घर में है, लेकिन गरीबों के झोपड़े में तो अभी तक दिया ही जल रहा है। तो जो असमानता है गरीब और अमीर की, उसे हमें दूर करना है, मतलब दोनों में समानता लाना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि गरीबों के झोपड़े में अभी भी दीपक ही जल रहे हैं, समानता की भावना फैलाने में अभी हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, तब हम समानता का भाव चारों ओर फैला सकते हैं। आगे देखो, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सूरज का जो संदेशा है वह हर घाटी और मैदान को अभी तक नहीं मिला है। मानव समानता का विचार दुनिया में बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है, तो उसे पहुंचाने की ज़रूरत है। समानता का भाव हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो अभी तो हमने शुरुआत की है, उसे पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय निकल जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। आगे, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील विदान है, पर प्यार न हो तो जग सुना, चलता रेगिस्तान है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि धरती अब भी पहले जैसी ही हरी भरी है, धरती पर हरा भरा ही है। नीले रंग का वितान मतलब विस्तृत आकाश, वह भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं और प्यार के बिना यह जो जग है जलता हुआ रेगिस्तान जैसा प्रतीत होता है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो यहाँ पर कवि कहते हैं हमें हर प्यासी चट्टान को, अर्थात जो असमानता के कारण, भेदभाव के कारण
जिसके हृदय कठोर हो गए हैं, हाँ दुख सहन करते करते जिसके हृदय कठोर हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को हम प्यार का भाव देकर या प्यार का जल देकर उसके हृदय को कोमल करना है, मतलब उसे भी अपने साथ लेकर चलना है। तो कवि कहते हैं कि अभी ऐसे लोगों को शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर हक, उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि समानता के सूरज की रोशनी तभी सभी को सभी के घर में जा सकती है, सभी एक साथ जाग जाए और एक साथ अपना द्वार खोल दे, तो तभी समानता का भाव हर एक मनुष्य के द्वार पर पहुंचेगा। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि सबके आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी जब हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बाहर खिलती है। आगे, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा उमत बाटो इंसान को। जब समानता का भाव हर जगह फैल जाएगा, सभी लोग समानता की दृष्टि से ही देखेंगे, तो दुनिया में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पर लिखा है रौंदना, मतलब कुचलना। हाँ, तो ऐसे लोग हैं इस धरती पर, तो सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखना, सभी के प्रति समानता का भाव होना चाहिए। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया में समानता फैलने पर कोई भी किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, कोई हमारी खुशी को छीन नहीं पाएगा, और ऐसा तभी हो सकेगा जब सारे जग में समानता का भाव फैला हो। तो इस काव्य में कवि विनय महाजन जी ने पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में समानता का भाव, मनुष्य के अंदर समानता का भाव आ जाए तो सभी लोग सुखी से चैन से रह सकेंगे, ऐसा संदेश दिया है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।